हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं एक शर्ट का बहुत ही सुंदर डिज़ाइन। जैसे कि पटियाला सूट होते हैं, पंजाबी सूट बनाते हैं, उसमें काफ़ी अच्छा सा ये डिज़ाइन है जो नेक से बनेगा, नीचे घेरे पे बनेगा और बीच में हम बटन्स वगैरह लगाएंगे। तो इसके लिए नॉर्मल शर्ट की कटिंग की हुई है, नॉर्मल जो तीरा रखना है वो भी नॉर्मल रखना है, जो कटिंग आर्म होल की जो भी करनी है जैसे हम नॉर्मल शर्ट की कटिंग करते हैं उसी तरह करनी है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होगा इसमें। तो चलिए सबसे पहले हम इसके मेजरमेंट वगैरह लगा लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे गला बनाना है 3.25 इंच चौड़ा, यहाँ पे 3.25 इंच का पहले एक निशान लगा लेते हैं इस तरह, ठीक है। अब यहां से अब हम 3.25 के बाद 1 इंच का निशान लगाएंगे। ये सिर्फ निशान लगा रहे हैं हम मेजरमेंट के लिए। और यहाँ पे देखते हैं ये हमारा टोटल 4 इंच बन गया है, ठीक है जी। ये 4 इंच है, मैं आपको दूसरी साइड से नाप के दिखाती हूँ। ये हमारा टोटल है 4 इंच, ये देखिए। तो अब हम यहाँ पे नीचे तक 4 इंच का निशान लगाएंगे इस तरह। अब यहाँ पे क्या करना है, जो ये हमारी कमर है, कमर का निशान हमारा 7.5 पे है इस तरह, तो इसका बिल्कुल सीधा ले लेंगे, कमर का सीधा ले लेंगे। यहाँ पे भी एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है। जो डिजाइन बनना है वो कमर तक बनना है और यहाँ पे हम 4 इंच का निशान लगा लेते हैं इस तरह। तो अब हमारा जो लेस या डिज़ाइन जो भी बनना है वो इस तरह बनेगा, ये लाइन आएगी उसकी। तो अब पहले लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने इसलिए ड्रॉ किया है लगाने का, तो हम इसी तरह सीधा नाप के भी लगा सकते थे, कहीं हमारा गला टेढ़ा ना हो जाए, कहीं से भी अनइक्वल ना हो, ठीक है। ये मैंने इस तरह इसकी एक लाइन बना ली। ये मेरे पास पिक भेजी है व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने बोला है कि हमें सेम डिज़ाइन चाहिए, चाहे आप किसी भी कलर में बना के दिखाओ। तो मैं सेम डिज़ाइन अदर कलर में बना रही हूँ, कलर वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पे अब हम इसको क्या करेंगे, इसे खोल लेते हैं, ठीक है जी। खोलने के बाद अब हम फिर इसको दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे, उल्टी साइड। वो हमारी सीधी साइड के निशान है, इसे अब हम उल्टी साइड फोल्ड करेंगे और इस जो निशान को है थोड़ा सा टैप कर देंगे इस तरह, इस तरह टैप करेंगे थोड़ा सा निशान को। तो ये हमारा जो, अब टैप करने के बाद ये आप देखिएगा यहाँ पे ये निशान आ गया है, ठीक है जी। आपको अभी थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉ करके, पूरा दिखाऊंगी अच्छी तरह। ये देखिए ये निशान अब हमारी दूसरी साइड में भी आ गया है, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल इक्वल निशान आया है। अब कहीं से कम नहीं है, कहीं से ज़्यादा नहीं है। तो चलिए सबसे पहले इसका गला बना लेते हैं। गला बनाने के लिए हमने नॉर्मल गले की चौड़ाई लगानी है 3.25 इंच। यहाँ पे सेंटर का कट लगा देते हैं। तो बुकरम लेंगे हम, बुकरम पे पहले गले की कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारी बुकरम है। अब हम पहले ऊपर से इसको सीधा कर लेते हैं। अब गले की चौड़ाई लगाएंगे पहले 3.25 इंच के करीब। अगर हेल्दी लोग हैं तो 3, पतले हैं तो 3.25, अगर बच्चे हैं तो 2.5, ये मेजरमेंट रहेगा। और मैं यहाँ पे जो गले की डिपनेस रख रही हूँ वो 7.5 करीब रख रही हूँ। तो प्लीज़ आप ऐसा करें, अभी मुझे कल ही क्वेश्चन एक आया है कि आप ये नहीं बताते कि हमें कितना लेना चाहिए। देखिए मैं आपका नाप अभी कैसे बता दूँ, मुझे पता ही नहीं है कि आप कितना गला पहनते हो। देखो कई मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कई लोग तो 9 इंच तक डीप पहनते हैं, कई लोग 5 इंच तक डीप पहनते हैं। हर बंदे की अपनी अपनी पसंद होती है, तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से गले की डीपनेस रख लें। मैंने 7.5 रखी है। आप इसी डिज़ाइन में 5, 4, 3, 8, 6 जितना भी आप रखना चाहते हो वो रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ कर लूँगी गले को, मैं इसको यू शेप में ड्रॉ कर रही हूँ। तो इसे चलिए कट कर लेते हैं पहले। मैं डिज़ाइन सेम बनाऊंगी, वीडियो के थंबनेल में मैं आपको वो वाला डिज़ाइन भी शो करूंगी जो उन्होंने भेजा था मुझे फोटो पे। लीजिए ये अब हम इस तरह कट कर लिया मैंने। इसको पहले कपड़े के ऊपर 5.5 इंच का डिस्टेंस देके इसे जोड़ लेते हैं। लीजिए गले को मैंने इस तरह कपड़े के ऊपर जोड़ लिया है। तो अब हम इसे यहाँ पर रखेंगे, कट से कट मिला लेंगे सेंटर का। यहाँ पे अब इसको सेंटर से मिलाएंगे, बीच में से बिल्कुल हिलना नहीं चाहिए ये, इसलिए इसको
यहाँ पे एक पिन लगा देते हैं ताकि हिले ना। देखिए ये गला नॉर्मल सब लोग बना लेते हैं, अभी बोलेंगे कई जने बोलेंगे इसमें कि आप पिन लगाते हो शायद आपको नहीं आता, आता है मुझे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत लोग अब यहाँ पे नए हैं सीखने वाले तो उनके लिए है ये वाला आइडिया। आप लोगों के अगर आपको ईजीली आता है तो प्लीज़ आप फॉलो ना करें। अभी जिनको तो देखो सिलाई आती है वो लोग तो कुछ भी सिल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आती है वो लोग बड़े परेशान होते हैं। अभी मेरे पास एक कॉल आई थी, उन्होंने बोला कि हमारे गले में हमेशा झोल आता है और गोल गला भी सही से नहीं बनता, तो इसलिए छोटे छोटे ट्रिक्स मैं बताती हूँ कि आपका कोई भी काम खराब ना हो। ये लीजिए हमने इस तरह इसको लगा लिया, बीच में से कट करके कपड़ा आधा इंच छोड़ के छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब गले को मैंने इस तरह कट कर लिया और यहाँ पे छोटे छोटे ये देखिए कट्स मैंने लगा दिए हैं। अब इसे हम गले को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक रफ सिलाई लगा देते हैं। पिन को अब निकाल देते हैं यहाँ से। मैंने दूसरे धागे से लगाई है सिलाई, वो मैं बाद में खोल दूंगी इसको। तो अब हम चलिए लेस लगाते हैं जो हमने यहाँ पे निशान बनाया हुआ। ये लीजिए ये मेरे पास लेस है मैचिंग, दुपट्टे से मैचिंग हमने की है, तो अब हम इसे यहाँ पे लगाना शुरू करेंगे। हाँ इस तरह मैंने इसको रखा है, अब हम यहाँ से इसको लगाते हैं, निशान से चलेंगे। जो ये हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर ऊपर लगाएंगे, वो बिल्कुल हमारे किनारे पे है निशान जो है अभी। अभी ये देखिए यहाँ पे ये निशान आ गया, यहां से हमने इसको फोल्ड करना है, तो चलिए इसको फोल्ड करते हैं। यहाँ पे तो इस तरह करना है कि ये जो इसका एंड है, ये देखिए पहले इस तरह रखेंगे इसको सीधा, सीधा रखने के बाद इसको बढ़ा लेंगे थोड़ा सा नीचे की तरफ। ये इस तरह आएगा, ये देखिए ये हमारा कॉर्नर इस तरह बन जाएगा। अब इसे सीधा कर लेते हैं इस तरह। सीधा करके अब फिर कॉर्नर बनाना है हमने उसी तरह जैसे हमने पहले बनाया था, तो अब हम इसे इस तरह करेंगे। कॉर्नर बनाना बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सेट करने में। इस तरह कीजिए आप, ये देखिए पहले इसको सीधा कर लीजिए, सीधा करने के बाद थोड़ा सा ये निशान है जो इससे थोड़ा आगे कर लीजिए, आगे करने के बाद इसे आप इस तरह टर्न करोगे तो लीजिए आपका ये बिल्कुल अच्छा सा कॉर्नर बन जाएगा। अब इस तरह ऊपर की तरफ निशान के ऊपर ऊपर सिल रही है। अब हमारी ये देखिए ये लेस इस तरह लग चुकी है इस तरह नीचे तक। अब क्या करना है, इसको डबल करना है सिलाई। अब
अब ये जो कॉर्नर है इसके ऊपर हमने सिलाई को चलाना है, एक बार चलाया और दूसरी बार पीछे टर्न कर लिया तो ये कॉर्नर हमारा पक्का हो जाएगा यहाँ पे। अब हम नीचे की तरफ सिलाई लगा देंगे। ये अब हमारी लेस इस तरह विद कॉर्नर सेट हो गई है। अब ये जो सेंटर का निशान है इसे हमने इस तरह रखना है। अब देखिए लेस लग चुकी है। अब गला हमें खाली खाली सा फील हो रहा है थोड़ा सा, तो गले के ऊपर हम एक लेस लगा रहे हैं बिल्कुल किनारी वाली, पतली सी लेस है ये पॉम पॉम टाइप में, तो इसे हम यहाँ पे लगाते हैं। ये देखिए इसको गले पे लगाने से इसकी ग्रेस कितनी अच्छी आ गई है। अब मैंने बटन लिए हैं 3 लटकन वाले जिसमें लटकन होती है, तो इसे अब हम एक यहाँ पे, एक इसके यहाँ पे एंड पे 2 और एक हम इसके यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लगा सकते हो, यहाँ पे भी लगा सकते हो। लीजिए यहाँ पे हम ये 3 बटन अटैच करेंगे तो ये गला हमारा इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। गट बटन हम बाद में लगाएंगे सूट रेडी करने के बाद। तो चलिए अब हम इसकी स्लीव के आगे और नीचे घेरे पे लेस लगाएंगे। सबसे पहले हम साइड की फिटिंग की सिलाई लगाते हैं और बैक वाले गले में, जैसे कि हमारा ये बैक वाला गला है, इसकी कटिंग कर लेते हैं जितना आपने रखना है। मैंने रखना है 7 इंच, तो इस तरह इसे फोल्ड करेंगे। पहले ये पीछे का पल्ला है हमारा, तो यहाँ पे 7 इंच डीप गला हम कट कर लेते हैं। ये लीजिए 2.5 इंच हमने निशान लगाया, 7 इंच का निशान लगाया और अब हम इसे कट कर देंगे। लो जी ठीक है। अब इसमें हम ओरे पट्टी लगा देते हैं। ये मैंने ओरे पट्टी ली है और इसे अब हम बैक गले में लगा देंगे। अब इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। और इसे इस तरह फोल्ड करके अंदर की तरफ तुरपाई कर देंगे। ठीक है, अब इसे पहले फोल्ड कर देते हैं, फिर इसे अंदर की तरफ और एक बार फोल्ड करेंगे, फिर तुरपाई कर देंगे। ये थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा है इसमें, तो इसे हम कट कर देंगे, ये रखना नहीं है। अब लीजिए पट्टी हमने लगा दी है, अब इसे अंदर की तरफ इस तरह फोल्ड करेंगे और यहाँ पे तुरपाई कर देंगे। अब हम पहले तीरे जोड़ लेते हैं सूट के, इस तरह रखेंगे, तीरे से तीरा जोड़ लेंगे।
ये लीजिए, तीरे हमने जोड़ दिए हैं। अब हम इसे इस तरह रखेंगे और यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे अपने नाप के अकॉर्डिंग। अब मैंने फिटिंग की साइड में सिलाई लगा ली है और इसकी अब लेंथ देखेंगे। पहले लेंथ के अकॉर्डिंग अपनी रख लेंगे और नीचे का जो कपड़ा है हमारा फोल्डिंग वाला, उसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे निशान लगाकर नीचे का कपड़ा फोल्ड कर देते हैं। नीचे, अब नीचे का घेरा मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसका इस तरह घेर लगाएंगे जितना हमने रखना है। जैसे 19 इंच हमारा घेर है तो हम 19 इंच या फिर जितना भी मतलब आपका है उतना हम लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया है इसको और अब इसे हम इस तरह फोल्ड कर लेंगे। चारों साइड हमने साइडों की फोल्ड कर देनी है। अब साइड से भी हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब फ्रंट वाला पल्ला लेंगे। अब मतलब बैक का नहीं लेना है, बैक वाला पल्ला आप पीछे कर दीजिए। और ये देखिए जहाँ पे लेस लगी है वो वाला फ्रंट वाला पल्ला ले लेते हैं। उसको फ्रंट वाले घेर में ही अब हमने डिज़ाइन करना है। धागे वगैरह एक्स्ट्रा हैं जो कट कर देते हैं। अब हम इसको लेस को इसके ऊपर अटैच करेंगे। जैसे पहले यहाँ से हम फोल्ड कर लेते हैं थोड़ी सी इस तरह कि किनारा निकले ना। और अब हम इसे यहाँ पे रखेंगे और किनारे से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। अब यहाँ से किनारे से इसको सिलना शुरू करते हैं। बिल्कुल किनारे किनारे पे लेना है आपने। और यहाँ पे अब किनारा बनाना है। ये देखिए कॉर्नर आ गया है। अब फिर इसे इस तरह कर लेंगे जैसे हमने पहले ऊपर किया था गले में। अब इस तरफ फोल्ड कर लिया हमने लेस को। अब इसको इस तरफ भी कॉर्नर बना लेंगे नीचे। अब ये एक एंड आ गया है यहाँ पे चाक का। अब हम यहाँ से लेस को कट कर देंगे और ये जो लेस है बाकी की ये बाजू के आगे लगाएंगे हम। अब हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर तक सिल लेंगे। अब हमने यहाँ पे ऊपर एंड में ये देखिए यहाँ पे भी एक हल्का सा कॉर्नर देना है। मतलब सीधा नहीं रखना, इसको थोड़ा तिरछा कर देना है। लेस को हमने थोड़ा सा तिरछा किया और अब पूरे में लेस को सिलाई से सिल देते हैं। ये देखिए घेरे पे भी हमने इसको लेस को अच्छी तरह अटैच कर लिया है। शर्ट अब हमारी ऑलमोस्ट रेडी है। अब हम स्लीव के आगे लेस लगाते हैं। ये हमारी स्लीव है, इसके आगे इसे रखेंगे, सीधा ही जोड़ देते हैं, इसमें कुछ ज्यादा काम नहीं होता। ये लीजिए लेस भी हमने लगा दिया है। अब इसको इस तरह फोल्ड करेंगे स्लीव को आगे से। फोल्ड करने के बाद हम इसके आगे घेरा जितना रखना है उतना रख लेंगे नाप के और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे।
अब देखिए स्लीव के आगे भी मैंने इस तरह लेस लगा ली है और इसे फोल्ड करके हमने इसकी फिटिंग दे दी है और अब हम इसे शर्ट में अटैच करेंगे। तो चलिए इसमें अटैच कर देते हैं आर्म होल में से डालकर और नीचे की सिलाइयाँ आपस में मिला लेंगे इस तरह। और अब हम एक स्लीव आपको जोड़कर दिखा देते हैं। ये लीजिए आर्म होल हमारा बिल्कुल परफेक्ट आया है। अब हम दूसरी साइड भी स्लीव जोड़कर आपको पूरी शर्ट दिखाएंगे। अब आप देख सकते हैं सूट पे मैंने बटन्स लगा दिए हैं और इसकी ग्रेस बहुत ज्यादा अच्छी आई है। आप देखोगे, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने ये सूट जिनका है उनको पहना कर देखा है, ये बहुत ही अच्छा फिटिंग में आया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है पहना हुआ। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे मिलेंगे किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।